जल्दी जल्दी हाथ चला कमला, बहुत देर हो गई है। लाख रुपए दे दो वरना तुम्हारे घर में किसी की मौत होगी। बीस लाख रुपया दे दो वरना तुम्हारे घर में किसी की मौत होगी। लगता है कि गुंडागर्दी की लाइन में कोई नया नया खिलाड़ी आया है। संजीत को दे दो, वो संभाल लेगा। ले, पकड़। बापूजी, कोई हमारे घर में घुसकर ये चिट्ठी रख गया और अब हंस रहे। किसी को कुछ नहीं होगा, तू सिर्फ अपने बच्चे को संभाल, समझ गई? किसी की हिम्मत नहीं है कि मेरे घर में आकर के कोई कांड कर जाए। अरे मनोरंजन जी, सेठ जी, क्या कर रहा है तू? खाना वाना खा के नहीं आया? खा के आया हूँ ना। लग रहा है कोई औरत दबा रही है, जोर से दबा। जी जी जी। दादू, आपको बताए मैं 50 पुशअप्स मार सकता हूँ। रहने दे बेटा, रहने दे, तेरे बस की ये नहीं है। चारू, आज इसने साबित कर दिया, ये जो मेरा निकम्मा बेटा है ना जिगर, ये उसकी असली औलाद है, क्योंकि इसके बस का भी ये सब कुछ नहीं है, समझे तू? गुजरात के राजकोट में नमो भाई पटेल के घर दिन दहाड़े कोई धमकी भरा खत रख जाता है जिसमें 20 लाख रुपयों की मांग की गई है। आखिर किसने नमो भाई पटेल के घर यह धमकी भरा खत रखा था? क्या वाकई में कोई नमो भाई के घर वालों को नुकसान पहुंचाना चाहता था? क्या हुआ, 50 पुशअप नहीं हुए तेरे? कोई बात, आ जा पीछे बैठ। चल। 4 5 रोकती क्यों नहीं है? मैं बहुत रोकने की कोशिश करती हूँ जी, पर वो मेरी सुनते थोड़ी ना। सुनते नहीं मतलब? कभी कुछ काम भी आओगी मेरे? जो काम बाप को करना चाहिए था काका कर रहा है। कौन काका? कैसा काका? ये हमारा सग्गा थोड़ी ना है। 50 दादू, हमारे 50 पुशअप्स पूरे हो गए। नहीं 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 नहीं, ये चीटिंग है, चीटिंग। क्या हुआ, तेरा मूड नहीं है या मेरा छूना तुझे पसंद नहीं आ रहा है? ऐसी कोई बात नहीं है। तो ऐसे लाश की तरह क्यों पड़ी है? भूल गई क्या मैंने तेरे और वचन के लिए क्या क्या किया है? नहीं, मुझे सब याद है। एक दिन तुझे जान से मार दूंगा। सर, मेरा बेटा गायब है और इसकी वजह से गायब है सर। मैंने कुछ नहीं किया। तुमने कुछ नहीं किया उसको? मैंने कुछ नहीं किया। सर, इसकी वजह से गायब हुआ है मेरा बेटा। आप लोग पहले शांत हो जाइए। रानी का बेटा वचन अब लापता था और उसका रानी पर यह आरोप था कि रानी की लापरवाही की वजह से ही वचन कहीं खो गया था। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई थी? कहीं नमो भाई पटेल के घर धमकी भरा खत रखने वाले ने ही वचन को अगवा तो नहीं किया था? आखिर कहां था वचन और उसे किसने गायब किया था? यह है मेरा बेटा वचन। कैसे गायब हुआ ये बच्चा? मैं उसे शहर ले गई थी डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास से आने के बाद हम लोग बाजार चले गए थे कुछ सामान लेने। भैया भिंडी देना। वहीं पर वो मेरी आंखों से ओझल हो गया। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मैंने सब जगह ढूंढा उसे सर, लेकिन मेरा बच्चा कहीं नहीं मिला। पता नहीं कहाँ चला गया। आपका नाम क्या? सर जिगर पटेल। कहीं आप नमो भाई पटेल के बेटे तो नहीं? जी, मैं उन्हीं का बेटा हूँ, पर मेरी पहचान सिर्फ उतनी ही नहीं है। जैसे हमें कुछ पता चलेगा आपको खबर करेंगे, और आप भी अपने आपसी झगड़े को थोड़ा साइड में रख के अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो बेहतर होगा। फिलहाल जा सकता हूँ।
भगत, ये नमो भाई पटेल के घर का क्या हिसाब किताब है? कौन कौन है उसके घर? हमें जल्द से जल्द उस बच्चे को ढूंढना होगा। एक काम करते हैं, जहां से वो बच्चा लापता हुआ वहीं से शुरू करते हैं। एक टीम लेके मार्केट और क्लिनिक जाओ। सब हाँ साहब, सुबह आया था ये बच्चा अपनी माँ के साथ। डॉक्टर को दिखाने के बाद दोनों यहाँ से चले गए थे। इस बच्चे को देखा कहीं पे? साहब हाँ देखा था मैं। कहाँ देखा? नीले रंग की कार थी, वो मुझे इतना याद है। गाड़ी का नंबर याद है? साहब गाड़ी का तो नंबर याद नहीं है। किसी और को देखा था उसके साथ? कोई भी नहीं था। किस तरफ गई गाड़ी? हाईवे की तरफ। हाईवे? हाँ। अपोजिशन ने जानबूझ करके हमारे घर पर हमला करवाया है। वो सोचते हैं कि ऐसा करने से मैं कमजोर पड़ जाऊंगा, लेकिन उनको नहीं पता कि मैं किसी भी हालत में हार मानने वाला नहीं हूं। कैसा रहेगा ये? बापूजी, ये भाषण पूरे जिले में आग लगा देगा। देखिएगा, चुनाव में हर एक उंगली आपके नाम का ही बटन दबाने के लिए उठेगी। ऑपोजिशन की तो जमानत जब्त है। क्या चल रहा है ये? नहीं चल क्या रहा है ये? क्या मेरा बेटा गायब है? अब उसकी फिक्र करने की बजाय इस बात को अपना पॉलिटिकल एजेंडा बना रहे हैं। तो क्या हुआ? पहली बार तेरा बेटा हमारे कुछ काम आ रहा है तो इसमें गलत क्या है? देख रानी, रोने से अब कुछ नहीं होगा। तेरा लड़का वापस नहीं आएगा। मेरी बद्दुआ है, अब वो कभी वापस नहीं आएगा। सर, मैंने हाईवे के आसपास सारे सीसीटीवी फुटेज चेक किए, ये कुछ फुटेज हमारे हाथ लगे हैं। सर, ये नेशनल हाईवे 27 पर एक पेट्रोल पंप का 14 अप्रैल दोपहर 12 बजे का सीसीटीवी फुटेज, और इस पेट्रोल पंप के ठीक सामने एक फ्रूट का ठेला लगता है सर, ये देखिए। ये रिकॉर्डिंग देख के तो नहीं लगता है कि वचन का किडनैपिंग हुआ है, उल्टा ऐसा लग रहा है कि वो अपनी मर्जी से किसी के साथ गया है। सर, मैंने वचन के स्कूल में उसके कुछ दोस्तों से बात की, उनसे हमें ये पता चला कि वचन और उसके पिता जिगर की आपस में बनती नहीं थी। यहाँ तक कि वचन अपने पिता का सबके सामने मजाक उड़ाता था। भाइयों और बहनों, बहुत पर निकल आए तेरे? 100% 77 नकल की ना इस बार। अभी बताता हूँ तेरे को मैं, अभी बता। हाथ दिखा, हाथ दिखा, हाथ दिखा। सर, बाप बेटे का, स्टूडेंट टीचर का रिश्ता ऐसा ही होता है, थोड़ी बहुत खिटपिट तो होती रहती है। और सर, मेरा इतना स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड होने के बावजूद भी मैं एक सेल्फ मेड इंसान हूँ, और मैं यही चाहता हूँ कि मेरा बेटा भी अपनी जिंदगी में अपने पैरों पर खड़ा हो सके, इसलिए उसके साथ थोड़ी सख्ती करता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी सख्ती की वजह से वचन खुद से घर छोड़ के भाग गया हो? कम से कम सीसीटीवी फुटेज में तो देख के ऐसा ही लगता। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको गलतफहमी हो रही है। मैं वचन को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। वचन जिगर सर को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, और वो कहता था कि अगर उसका बस चले तो वो जिगर सर को जान से मार दे। देखो बच्चों, आपका दोस्त वचन अपने दम पर तो कहीं भाग नहीं सकता। क्या आप में से किसी ने उसकी मदद की, या फिर आपको मालूम है कि वो कहाँ गया होगा? नहीं सर, उसने हमसे कुछ भी नहीं कहा था। पर सर, वचन की तरह जिगर सर की बहन चुलबुल भी उनसे नफरत करती थी। क्या चल रहा है सब? ये क्या हाल बना रखा है? साफ करो।
साफ करो, साफ करो, तो साफ करो। ये अच्छे से साफ करो, ये एक दिन सारे बदले एक साथ लिख लूंगी। चुलबुल, तुझे अगर कुछ भी पता है तो बता देना। चुलबुल बता, ये सब तुम दोनों ने मिलके किया है ना? बस मेरी बेटी को इन बातों में मत घसीटो। साहब, मैं अपने बेटी को अच्छे से जानती हूँ। वचन को भागने में वो कभी मदद नहीं करेगी। बेटा डर मत, बोल दे इनको तूने कुछ नहीं किया। माँ, मुझे किसी से डरवा नहीं लगता। सब मुझे ना ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। मुझे क्या, पूरे घर में पूरे स्कूल में कोई ले पसंद नहीं करता। खुद तो कुछ कर नहीं सके और अपना फ्रस्ट्रेशन दूसरों पर निकालते हैं। अच्छा ये बताओ, 14 तारीख को सुबह 10 से 1 के बीच में तुम कहाँ थे? तुम्हारे स्कूल में हमने पता किया है, तुम वहाँ नहीं थी। सर, मैं आपको बताती हूँ लेकिन इन लोगों के सामने नहीं। मोर काबो रे, मोर काबो रे। कर रहा हूँ। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तोरे मोर काबो रे। रोक क्यों दिया? नाम क्या तेरा? जी मनोरंजन। 14 तारीख को सुबह 9 से दोपहर 3 तक चुलबुल तेरे साथ थी? हाँ साहब। सब वो हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और ये बात उसके घर में किसी को भी नहीं पता। सब मैं तो मामूली सा मसाज करने वाला हूँ और ये मेरी दुकान है। अब अगर ये बात अगर किसी को भी पता लगी उसके घर में तो वो लोग ना जाने मेरा क्या करेंगे। बहुत मुँह चल रहा था ना पुलिस के सामने। हाँ, मैं फ्रस्ट्रेशन निकालता हूँ अपनी सब पर। हाँ, फ्रस्ट्रेशन निकालता हूँ। हाँ, बहुत जबान चल रही थी, मैं अपना फ्रस्ट्रेशन दूसरों पे निकालता हूँ। निकालो फ्रस्ट्रेशन अपना। हाँ, लूजर तुम, लूजर। सबको बोलूंगी मैं। बोलेगी? हाँ, बोलेगी। हाँ, सबको बोलूंगी, चीची का बोलूंगी, चिल्लाकर बोलूंगी, पुलिस को बोलूंगी। बोलेगी, बोलेगी। हाँ, अगर मेरे बारे में किसी से भी कुछ बोला ना, सच में मार दूंगा। सर, अगर चुलबुल ने वचन की मदद नहीं की तो फिर किसने की? भगत, जैसा कि हमने सीसीटीवी फुटेज में देखा, वचन बड़ी आसानी से उस शख्स के साथ गया था। मतलब इतना तो पक्का है कि ये जो कोई भी था ये बड़ा जान पहचान वाला है। ये देखो, वचन के जाने से इनको जैसे जैकपॉट लग गया। भगत, कहीं ऐसा तो नहीं कि इलेक्शन जीतने के लिए ये सिंपथी गेम खेला जा रहा हो? हो सकता है सर, क्योंकि राजनीति का खेल तो है ही घिनौना। भगत, कोई तो होगा जिसने उसे देखा होगा। एक काम करो, वचन जहां भी रेगुलरली आता जाता था उन सारी जगहों पे फिर से पता करो। कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिसने उसे किसी अनजान शख्स के साथ देखा हो। सर, पुलिस की थ्योरी में कई बातें निकल कर आ रही थी, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा शक इस बात का था कि वचन, और अगर ऐसा है तो रानी को मिलने वाला वो धमकी भरा खत किसने रखा था। और इसी बीच रानी को फिरौती के लिए एक ऐसा कॉल आया जिसके बाद उसके होश उड़ गए। हेलो, हेलो, वचन का सर पहले भेजो या इधर। कौन बोल रहा है? गलत सवाल। उसकी क्या चाहिए? 20 लाख चाहिए, और 20 लाख नहीं दिया तो 20 टुकड़े करके भेजूंगा इस लड़के का। हेलो, हेलो। अरे कौन है, किसका फोन है? अरे तुम रो क्यों रही हो? किसका फोन था? अरे रोना बंद करके बताओगी? किडनैपर का फोन था, 20 लाख रुपए मांगे।
सर, आपका शक बिल्कुल सही निकला। पिछले कुछ दिनों से वचन के स्कूल और घर के बाहर एक आदमी को देखा गया है। मैंने स्कूल के बाहर का सीसीटीवी फुटेज मंगवा लिया है, पक्का उस फुटेज में हमें उस आदमी का चेहरा दिख जाएगा। ये लो, इसे पार्टी के दफ्तर में पहुंचा देना, जाओ। क्या कहना चाहती थी? बापूजी, जिन लोगों ने वचन को अगवा किया है वो 20 लाख की फिरौती मांग रहे, आप उन्हें 20 लाख रुपए दे दीजिए ना, फिर वो मेरे बच्चे को छोड़ देंगे। देख, ये सब हमारे दुश्मनों की चाल है, वो हमें डराना चाहते हैं। वो थक हार करके खुद ही छोड़ देंगे हमारे वचन को, थोड़ा इंतजार कर। इंतजार? किस बात का इंतजार करूं? हाँ, कि वो मेरे बच्चे को मार दे, कि आपकी राजनीति यहाँ पर और भी चमके और आपको हमदर्दी के सारे वोट मिल जाए, है ना? ज़बान देख करके खोला कर, किससे बात कर रही है? आगे से इस तरह से बोली ना तो घर से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। ये तो नरेंद्र भाकड़ लग रहा है। ये वही है क्या जिसके खिलाफ 2 कंप्लेंट्स ऑलरेडी हमारे थाने में? हाँ सर, और ये संचित का खास आदमी है। भगत, इस नरेंद्र भाकड़ को इसके बिल से खोद के निकाल दो। मुझे लगता है यही हमें वचन तक ले जाएगा। सर, नरेंद्र बच्चन को किडनैप करके टॉर्चर करने वाला था। एक काम करो, इस गांव का चप्पा चप्पा छान मारो, सारे खबरियों को अलर्ट करो, कहीं ना कहीं तो मिलेगा ये नरेंद्र भाकड़। हाँ भगत। सर, अभी अभी नमो भाई के घर से कॉल आया था, रानी गायब है। व्हाट? रानी कब से घर नहीं लौटी? सर, सुबह जब आप सोकर उठे तो देखा कि वो घर पर नहीं थी। सर, रानी के कमरे से फोन मिला है। किसका फोन है? सर, ये तो रानी का फोन है। यहां वहां ढूंढने से कुछ नहीं मिलेगा, रानी का चक्कर चल रहा था। चक्कर? किससे? संचित से। क्या? काफी समय से मुझे शक था कि रात में रानी हम सबको जो दूध देती है उसमें कुछ मिलाती है, क्योंकि जैसे मैं दूध पीती थी झट से मुझे नींद आती थी और सुबह उठते ही सर भारी सा हो जाता था। एक रात मैंने दूध पिया ही नहीं और रानी का पीछा किया। देखा तो रानी सीधे संचित के कमरे में गई। मैंने फौरन उसका वीडियो बना लिया। ये देखिए। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? हाँ, छोड़ूंगा नहीं तुझे, छोड़ूंगा नहीं। अपनी मर्दान की कहीं और दिखाइयो, वरना तुझ पे भारी पड़ेगी, समझा? लड़ने की जरूरत नहीं है यहां, वरना दोनों अंदर जाओगे। संजीत, सच सच बता, ये माजरा क्या है? सर, ये बात सच है कि मेरा रानी के साथ अफेयर है और ये अफेयर वचन के पैदा होते ही शुरू हो गया था। लेकिन ये अफेयर रानी ने शुरू किया था। मेरे पॉलिटिकल करियर की वजह से मैं अपनी इमेज ब्रह्मचारी की रखना चाहता था, इसलिए बाहर कहीं मैं रिश्ता जोड़ नहीं सकता था। तो मैंने रानी को इशारे किए और हमारा रिश्ता कायम हो गया। ये सच है कि वो कल रात को मेरे पास आई थी,
लेकिन कल रात को मेरे पास आने की वजह उसकी कुछ और थी। संजीत, मेरे बच्चे को बचा लो, वो लोग मेरे बच्चे को मार देंगे, बचा लो ना मेरे बच्चे को। लेकिन मैं वचन को कैसे बचा सकता हूँ? उन्होंने 20 लाख रुपए विरोधी की रकम मांगे, तुम मुझे 20 लाख रुपए दे दो तो वो मेरे बच्चे को छोड़ देंगे। मेरे बच्चे को बचा लो ना संजीत। 20 लाख? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगा? हमारे बीच में जो इतने दिनों से ये सब हो रहा है उसकी कोई अहमियत नहीं है क्या? उसकी अहमियत बिस्तर से शुरू होती है और बिस्तर पे ही खत्म हो जाती है। इसके अलावा मुझसे कोई और उम्मीद मत रखना। ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए? जरूरत हम दोनों की थी। सचित, कहीं ऐसा तो नहीं कि रानी ने तुम पे दबाव बनाया और तुम्हारी ये ब्रह्मचारी की इमेज डिस्टर्ब ना हो जाए इसलिए तुमने उसे ही रास्ते से हटा दिया? क्योंकि अगर लोगों को पता चल जाता तो अगले इलेक्शन में तो तुझे कोई वोट नहीं डालता। वचन को भी तुमने अपने पॉलिटिकल करियर के फायदे के लिए उठाया। देखिए, तुक्के मारने से अच्छा है कि आप जाइए और सबूत इकट्ठा करिए जिसकी वजह से आप असली मुजरिम को पकड़ सके। मुजरिम को कैसे पकड़ना है ये हमें तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है। फिलहाल जा सकते। पत्रा फौरन रानी के कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ, क्योंकि अगर उसने अपने जानने वाले हर शख्स से 20 लाख रुपए की मांग की है तो इसका मतलब कि उसे 20 लाख की फिरौती के लिए कॉल आया होगा। उसके कॉल रिकॉर्ड में हमें वो नंबर मिलेगा जिससे उसे फिरौती के लिए कॉल आया और यही नंबर हमें वचन तक पहुंचा सकता है। सर, नहीं, रानी मुझे धोखा नहीं दे सकती। संजय झूठ बोल रहा है मुझे जलाने के लिए। भूल जा बेटा उसे, पहले से बच्चलन औरत थी वो। ऐसी नहीं थी। तेरे आंखों पे पट्टी जो बांधी हुई थी, कुछ दिखता ही नहीं था ना तुझे। अच्छा हुआ जो चली गई। मैंने कहा ना, रानी ऐसी नहीं थी। उसके बारे में कुछ मत बोलना। उसने मुझे धोखा नहीं दिया, समझी? वो ऐसी नहीं थी। कौन ऐसी नहीं थी? बताता हूँ सर। मैंने ही उस बच्चे को उठाने की सुपारी ली थी सर। और कौन कौन था इस प्लान में शामिल? मैं, नमो भाई और संचित। वचन कहाँ है? उसके साथ क्या किया तुमने? सर, हमारा प्लान था उसे किडनैप करने का, लेकिन जिस दिन हम उसे किडनैप करने वाले थे वो पहले ही गायब हो गया था। मैं बताता हूँ, मैं इसके बारे में जानता था, लेकिन इस प्लान में मैंने उनका साथ देने के लिए हामी नहीं भरी थी। कल तक सारा काम ठीक ढंग से हो जाना चाहिए, समझ गया? चल रख। बापूजी, इसमें वचन की क्या गलती है? वो तो एक मासूम सा बच्चा है और उसे कुछ करके हमें क्या फायदा? तेरी माँ मेरी नौकरानी थी और तू मेरी नाजायज औलाद, फिर भी मैंने तुझे अपना बेटा माना, बाप कहने का हक दिया और तुझे मेरी राजनीति पर शक है? माफ करिएगा बापूजी, वैसे ही करेंगे जैसा आप कहेंगे। आइए आइए दरोगा बाबू, आज इधर कैसे आना हुआ? आपको अरेस्ट करने के लिए। अरेस्ट? किस बात के लिए? अपने पोते वचन की किडनैपिंग प्लान करने के जुर्म में। हम जानते हैं कि उस बच्चे को आप अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए यूज कर रहे हैं। राजनीति का नियम ही है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अरेस्ट करो हमने। आप लोग पीछे हटिए वरना आप लोग भी अंदर जाएंगे। चलो। चलिए इंस्पेक्टर साहब, वैसे भी आप ज्यादा देर मुझे जेल में नहीं रख पाएंगे। जितने भी देर आप अंदर रहेंगे हम उगलवा लेंगे वचन कहाँ है। अरे, हम नहीं जानते कि वचन कहाँ है। इससे पहले भाकड़ उसे किडनैप करता, किसी और ने उसे उठा लिया था। झूठ मत बोल। किसी और को क्या फायदा वचन को किडनैप करके? देख, पता तो हम लगा ही लेंगे, बेहतर होगा कि तू ही बता दे।
बोल। मैं सच कह रहा हूं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। बापूजी, बोल। बचपन से एक इच्छा थी जो अधूरी रह गई। क्या इच्छा थी तेरी? जो इच्छा पूरी हो गई। सर, हमने नमो भाई के हर अड्डे को अच्छे से छान मारा, पर वचन का कहीं कुछ भी पता नहीं चला। सर, कहीं सच में इन लोगों से पहले किसी और ने तो वचन को अगवा नहीं कर लिया? सर, ये रहे रानी के फोन रिकॉर्ड। सर, 14 तारीख की रात 9:30 बजे रानी को एक नंबर से कॉल आया था और ये नंबर रानी के साथ चारू का है। चारू, चारू बेन, झूठू बोलना बंद करो। आपने रानी को कॉल किया था, यह हमें रानी के कॉल रिकॉर्ड से पता चल चुका है। नहीं साहब, मैं सच कह रही हूँ। उसने मेरे नाम से कब सिम कार्ड खरीदी की मुझे नहीं पता। आप जो नंबर बोल रहे हैं वो मेरा नंबर नहीं है साहब। वचन को भी आप ही ने अगवा किया है। नहीं साहब, मैंने वचन को अगवा नहीं किया है, ये सब रानी की चाल है मुझे फंसने के लिए। रानी और वचन से इतनी नफरत क्यों करती है? पूरी जिंदगी अपने पति की नाजायज औलाद संचित को बर्दाश्त करती रही। संचित की वजह से जिगर को उसका हक कभी नहीं मिला, हमेशा उसको नीचा दिखाया गया। मैंने हमेशा जिगर का हक मांगा, लेकिन एक दिन अचानक जिगर रानी को लेकर घर आया, जिसके आगे पीछे कोई नहीं था। और वो क्या, शादी से पहले ही उसके साथ किसी ने बलात्कार किया था। बलात्कार? हाँ, रानी के साथ किसी ने बलात्कार किया था। मैं वीरपुर के पास मान्यता सुधार गृह में एक वॉलंटियर टीचर था। मैंने पहली बार रानी को वहीं देखा था। उसकी हालत देखकर मुझे उस पर तरस आ गया। मैं उसकी मदद करना चाहता था, इसलिए मैंने उससे शादी कर ली, ताकि कम से कम उसे एक अच्छी जिंदगी मिल सके। सर, मेरी सोच हमेशा से ही मेरे बाबूजी और सौतेले भाई से अलग रही है। शादी के एक महीने बाद ही हमें पता चला कि वो पेट से है, तभी मुझे शक हुआ। और जब वचन हुआ तो उसके आव भाव जिगर से बिल्कुल अलग थे। और इसी वजह से आपने रानी और वचन दोनों को गायब कर दिया? रानी और बच्चन के गायब होने की वजह तलाशने के लिए पुलिस ने अब रानी के पास को खंगालना शुरू किया, जिसके लिए वो उस रिफॉर्म सेंटर पहुंचे जहां रानी को उसके रेप होने के बाद रखा गया था, और वहां से पुलिस को उसके गांव के बारे में पता चला। आसपास के लोगों से पता करो सर, और तुम लोग पूरा घर चेक करो सर। प्रॉब्लम है तेरा? क्यों यहाँ बार बार आके चिल्लाती रहती हो? चलो निकले यहाँ से। रानी, पागल लड़की, क्या कर रही है तू? सब ये यहाँ पास में ही रहते हैं। आपको पता है किसका फोटो है? साहब, ये लाजो है, और ये उसकी पागल बेटी जयश्री, और ये उसकी बड़ी बेटी रानी है। अच्छा, ये घर कब से खाली है? साहब, 3-4 हफ्ते हो गए हैं। अच्छा, आपको पता है ये कहाँ गए होंगे? साहब, 3-4 दिन पहले मैंने इन्हें देवला गांव के पास देखा था।
जी बोलिए। हमें रानी के बारे में कुछ पूछताछ करनी है आपसे। मुझे उसके बारे में कुछ बात नहीं करनी है। आज उसकी वजह से हमें जो तकलीफ उठानी पड़ी वो क्या कम है। देखिए मेरे बेटे की हालत देखिए। आइए एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। यस सर। आपकी बेटी को यहां कुछ नहीं होगा। अब आप हमें शुरू से लेकर के सारी बात बताइए। साहब हम लोग गरीब हैं। रानी और जयश्री मेरी दो बेटियां हैं। जयश्री अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। कैसे कैसे करके हम दिन काट रहे हैं साहब। और एक दिन अचानक रानी के साथ बलात्कार हुआ और बलात्कार होते हुए जयश्री ने अपनी आंखों से देखा। वो ऐसे भाग कर आई, सब कुछ सच सच बता दिया साहब। मैं भी फौरन उसके साथ वहां भाग के गई तो देखा कि रानी के कपड़े पूरी तरह फट चुके थे। रानी के साथ इतना सब कुछ होने के बाद भी गांव वालों ने उसे गांव से निकाल दिया साहब। जैसे ने उस आदमी का फोटो बनाया था जिस आदमी ने रानी पर बलात्कार किया था। खुद को बहुत मान बताता ना तू, लेकिन असल में तूने रानी का पहले रेप किया और फिर उससे शादी की। हाँ सर, मैं मानता हूं कि मैंने उसका रेप किया था। आगे बोल। घर से लेके बाहर तक हर कोई मुझे हारा हुआ मानता था। हर किसी को लगता है कि मैं किसी काम के लायक नहीं हूं। और सबसे ज्यादा ये बात मेरे बापू जी को लगती थी। और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं शारीरिक रूप से मजबूत नहीं हूं। उनकी तरह लोगों के सामने माइक पकड़ के झूठ नहीं बोल पाता, भाषण नहीं दे पाता। मेरा पहला ही भाषण फेल हो गया था, जिसके बाद से मुझे कभी भी दोबारा राजनीति में मौका नहीं मिला। भाइयों और बहनों और माताओं, अगर हमारी पार्टी आपको वोट देगी तो आप हम आपकी माफ कीजिएगा, अगर आप हमारी पार्टी को वोट देंगे तो आप। उस दिन बहुत गुस्से में था, सब लोग मुझ पे हंस रहे थे। तभी मेरी नजर रानी पर पड़ी, वो भी हंस रही थी। मैंने उसका रेप कर दिया। उसका रेप करने के बाद मेरे मन को थोड़ी शांति मिली। और उसके बाद तू उसके पास वापस गया, उस रिफॉर्म हाउस में। रानी से शादी करके मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने उसे जीत लिया है। तो जब तुझे रानी और संजीत के अफेयर का पता चला, बहुत गुस्सा आया होगा तुझे, और इसी वजह से तूने रानी और वचन को। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरी शान है, मैं उसके साथ ऐसा कुछ क्यों करूंगा। तेरी शान अब जेल में दिखाना, क्योंकि रानी का रेप करने के जुर्म में लंबे टाइम तक अंदर जाएगा तू। इतने सालों से अपने पोते का रानी का अपमान करती रही मैं, उन्हें कोसती रही। एक मिनट सर। हेलो, क्या ठीक है, पहुंचते हैं वहां पर सर।
जिस वैन में वचन को किडनैप किया गया था वो वैन हाईवे के पास एक जंगल में देखी गई है। आसपास का एरिया अच्छे से चेक करो, कुछ ना कुछ डेफिनेटली हाथ लगे। सर तुम उधर देखो। सर इसके गले में तो निशान है। मगर लेकिन चुलबुल की लाश यहाँ कैसे पहुंची? वो भी उस वैन के पास जिसमें वचन की किडनैपिंग हुई। चुलबुल का रानी और वचन के केस से क्या कनेक्शन? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने हमसे झूठ बोला कि वो मनोरंजन के साथ थी? कहीं वचन की किडनैपिंग में इसका हाथ तो नहीं? सर अब इसका जवाब तो मनोरंजन ही दे सकता है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर सर मनोरंजन 5 बजे के बाद किसी को भी गांव में नहीं देखा। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक चुलबुल की मौत भी 5 बजे के करीब ही हुई। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों ने मिलकर किडनैपिंग प्लान की पर फिर मामला उलट गया और जिसके बाद? एक मिनट सर। हेलो, क्या? ठीक है सर, ब्लू वैन का रजिस्ट्रेशन नंबर ट्रेस हो गया है। ये एक रेंटल कंपनी की गाड़ी है और पता चला है कि इस गाड़ी की बुकिंग खुद रानी ने करवाई थी। रानी ने? हाँ सर। सर हो सकता है कि रानी ने खुद वचन की किडनैपिंग प्लान की जिसके बारे में चुलबुल को पता चल गया और फिर रानी का ये राज खुल ना जाए इसलिए उसने चुलबुल को रास्ते से हटा दिया। बिल्कुल हो सकता है भगत, क्योंकि अगर उस एंगल से सोचें तो जिस आदमी से रानी मिलती थी वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मनोरंजन ही था। अगर मनोरंजन गाँव से भाग गया है तो मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा दूर गया होगा, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होंगे कि वो किसी बड़े शहर में जाके छुप सके। एक काम करो, आसपास के सारे गांवों में उसको सर्च करो, आई एम श्योर वो हमारे हाथ लगेगा। सर सब, मैं रानी से प्यार करता था, मुझे पता था कि संचित और रानी का संबंध है, लेकिन फिर भी मैंने रानी को अपने प्यार का इजहार किया और उसने मना कर दिया। मैं पहले से ही संचित के साथ संबंध करके गलती कर चुकी हूँ। फालतू में सच्चे प्यार की तलाश कर रही थी, जब मुझे पता है कभी मुमकिन नहीं। किडनैपिंग का प्लान किसका था? किडनैपिंग का प्लान रानी का ही था साहब। उसने ये प्लान क्यों किया? साहब एक दिन मैं नमो भाई के घर से निकल रहा था उनकी मसाज करके क्या हुआ, रो क्यों रही हो? मैं तंग आ गई हूँ जिंदगी से, तंग आ गई। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के लिए जी रही हूँ, लेकिन अब मेरे ससुर उसे मुझसे दूर कर देना चाहते। वो मार देंगे मेरे बच्चे को। कल तक सारा काम ठीक ढंग से हो जाना चाहिए। बापूजी, इसमें वचन की क्या गलती है? तू मेरी राजनीति पर शक कर रहा है? मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं बचाऊंगा उसे, कुछ नहीं होगा उसे। सब उसी ने वचन को किडनैप करने का प्लान बनाया था। वचन को मार्केट से किसने उठाया? सब वचन को मार्केट से मैंने ही उठाया था, मैं ही नीली गाड़ी में उसको लेके गया था। वचन मेरे साथ जाने में बहुत खुश था साहब, उसे ऐसा लगा कि ऐसा करके वो जिगर को सबक सिखा पाएगा। रानी भी उससे मिलने आती थी, लेकिन एक दिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ मुझे कोई नहीं दिखा। फिर मैं बहुत डर गया था, मैंने गाड़ी ठिकाने लगा दी। चुलबुल को क्यों मारा? साहब मैं तो पहले से ही बहुत परेशान था और वो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। उसे मेरे और रानी के प्लान के बारे में सब पता चल गया था और मुझे धमकी दे रही थी कि वो पुलिस को सब जाकर बता देगी। किडनैप करने के बाद वचन को कहाँ छुपाया था तुमने? सब गांव के बाहर एक खंडहर है,
वहां पे छुपाया था सर। ये खिलौने खाने का सामान है यहां पर वचन और रानी दोनों गायब है। एक काम करते हैं, आसपास सर्च करते हैं। मूव सर। ये बच्चा पिछले 5 दिनों से अपनी माँ की डेड बॉडी के साथ था और अभी ये ट्रॉमा में है। पर सर, इस बार उस टीचर को सबक सिखाते हैं और बाद में संचित काका के साथ भाग जाएंगे। बेटा, हम संचित काका के साथ नहीं, मनोरंजन काका के साथ जा रहे हैं। वो हमारी मदद कर रहे हैं ना। वो मसाज वाला, मैं नहीं आने वाला उसके साथ। सब लोग बोलते कि मैं नाजायज हूँ, संचित काका भी। एक रात मैंने आपको संचित काका के साथ देखा था, वो ही मेरे असली पापा है। मैं उनके साथ ही जाऊंगा। नहीं बेटा, मेरी बात सुनो, तुम्हें गलत फहमी हुई है। जिगर तुम्हारे पापा है, संचित काका तुम्हारे पापा नहीं है। नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। मैं संचित काका के साथ ही जाऊंगा। मैं उस नौकर के साथ नहीं भागने वाला। मेरी बात मुझे नहीं जाना उस नौकर के साथ। मेरी बात सुनो। नहीं वचन, वचन मेरी बात, वचन, वचन, वचन मेरी बात सुनो। वचन, मेरी बात सुनो। कहाँ जा रहे हो? तो चुप, एकदम चुप। पूरे जा रहे थे आप। बेटा मेरी बात सुनो, क्या कर रहे हो? लेकिन इस खून के लिए वचन कितना जिम्मेदार था। वचन ने बचपन से ही अपने घर में कुछ भी नॉर्मल नहीं देखा था। उसे यही लगता था कि संचित ही उसका पिता है। नमो भाई और संचित शुरू से ही सत्ता के लोभ में डूबे थे। वो इसी फिराक में थे कि कब उन्हें मौका मिले और कब वो वचन की मौत से अपनी जीत की वोट खरीद ले। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि गलत मंशा सिर्फ गलत अंजाम तक ही ले जाती है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक 1 को। सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।